आए हाय माशाल्लाह, तू ना मेरी जान ले लेगी किसी दिन। भाई जी मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी साथ में कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बता दो, है कि नहीं? है नहीं इस कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, झूले वूले सब लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा है ना जी। झूला झूलेगी, झूला झूलेगी। घेर रखा है, चुकी है बहुत तगड़ी भीड़ मेले में, सारी को रखी फैन ने घेर लिया था, अब ये फ्री हो चुके हैं अपने फैन से। तो गाइस बैठे बैठे यहाँ पे शाम हो गई और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, देखो जामा मस्जिद कितना प्यारा लग रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो गाइस उठ चुका हूँ सुबह, कितना टाइम हो रहा है गाइस, ये टाइम यही सात बज रहे हैं, 8 बजे की नमाज है। तो गाइस हम निकल रहे हैं अपने घर से सीधा मस्जिद के लिए, एंड आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी ईद मुबारक। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ आज मैंने क्या पहना है कपड़े, तो आप लोग देखने जाते हो तो देखो फिर गाइस, ये देखो तुम्हारा भाई ब्रांड ही कपड़े पहनता है, कपड़े लग रहा हूँ। और गाइस ये देखो आमिर ने कुर्ता पहन रखा है और इसने ब्लैक शर्ट पहन रखी, और तुम मैं अलग ही पहनता, तुम ब्रांड छपरे वाले कपड़े गधा है। लुक देखो गाइस कैसा लग रहा हूँ, इस कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये देख लो आप पहले, मुझे तो ले ढंग से, बड़ा हरामी हो तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि मैं बढ़िया लग रहा हूँ, ये कुर्ता मेरे को भी कुर्ता पहनना चाहिए था, या ये ठीक है फेस तो दिखा मेरा। तो गाइस कर दो कमेंट और हम सीधे यहाँ से निकल रहे हैं मस्जिद के लिए, जब तक के लिए बाय बाय। देखो सारे जूते के डब्बे वगैरह, नए कपड़े के, ये सब इतने सारे हो गए हैं, और मेरे जूते देखो कितने केड़े लग रहे हैं मेरे, दिखाओ किसके सबसे ज्यादा केड़े लग रहे हैं गाइस ये बता दो। निकलने से पहले मैंने सोचा आपको जूते भी दिखा दूं, ब्रांड ही पहनता मेरा भाई ब्रांड। तो गाइस ये देख रहे हो, और हाँ गाइस तो मिलता हूं मैं सीधा आपको मस्जिद, तो जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस फाइनली मस्जिद से निकल के हम इधर साइड में आ चुके हैं, यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, और मैं भी गाइस फोटो वोटो क्लिक करा रहा हूँ एंड इंस्टा पे डालूंगा, तो बने रहना। एंड गाइस यहाँ से सीधा जा रहे हैं घर पे, गाड़ी खड़ी अपनी, तो यहाँ से सीधा घर पे निकलते हैं, तो मैं लाता हूँ फिर घर पे जाकर, और आप सबको फिर से हैप्पी ईद, आपको और आपकी फैमिली को सबको मेरी तरफ से हैप्पी ईद। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपको सीधा घर पे। तो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ, मैंने शर्ट भी चेंज कर लिया है, और गाइस अब मैं जा रहा हूँ अंशी के घर पे एंड देने। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा अंशी के घर पे, तो मिलता हूँ सीधा वहाँ पर, जब तक के लिए। तो गाइस मैं आशी को सीधा अपने घर पर ले आया, ये देखो, और देखो कितनी प्यारी लग रही है, रेडी खड़ी होगी दिखो। तो गाइस ये देखो उस दिन जो हमने ड्रेस ली थी, ये थी वो, कितनी प्यारी लग रही है, देखो कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो गाइस ये आ चुके हैं घर पे, एंड अब हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं कहीं बाहर, तो कहीं जहाँ देखो गाइस बहुत प्यारी लग रही है, मतलब क्यूटी बच्ची है तू मेरी, चले एक बार फिर से बोले, चले अब चले, अब प्यार से बोलो। अरे हाय माशाल्लाह, तू ना मेरी जान ले लेगी किसी दिन। भाई जी मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी, मतलब मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। ये देखो भाई जी आ गया, तुम तो दिख नहीं रहे। तो गाइस ये देखो साथ में कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बता दो, है कि नहीं? है नहीं इस कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं। एंड हम यहाँ से सीधा निकल के मिलते हैं आपको, और हम दोनों की तरफ से ईद मुबारक गाइस। तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ ईद मनाओ मस्त बढ़िया से, मैं भी अपनी फैमिली के साथ मना रहा हूँ ईद मस्त। तो मिलता हूँ मैं आपको बाहर। तो गाइस हम घर पर ही, आप लोग सोच रहे हो क्या हुआ। तो गाइस हम गए थे बाहर, एंड बाहर बहुत ज़्यादा तो गर्मी थी पहले, है कि नहीं? है
इतनी गर्मी थी गाइस, एक तो धूप में दिमाग खराब हो गया, ऊपर से जिस मॉल में हम गए थे इतनी भीड़ पैर रखने की मुश्किल से जगह थी, और वहाँ पे मन ही नहीं किया अंदर जाने का, फिर हम बाहर से आगे मैंने कहा भाई आ गए वापस, भीड़ भाड़ में जाना अच्छा चलने है कि नहीं, फालतू में क्लेश होते हैं, लड़ाई पंगे होते रहते हैं भीड़ भाड़ में, इसलिए हम घर पे आ गए। और दिन चलेंगे तो गाइस कल भी ईद है आपको पता ही, तो कल हम जाएंगे बढ़िया जगह है ना, तो गाइस बने रहो, अभी तो मैं इसको जा रहा हूँ छोड़ने, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपको आगे। तो हे गाइस कैसे आप लोग, आए हो आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस पहले तो आप सबको सॉरी, एंड कल व्लॉग नहीं आया ईद पे, उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि गाइस इसलिए नहीं डाला, एक तो बहुत गर्मी थी तो इस चक्कर में हम फैमिली के साथ ही थे मतलब, बट मैंने बना भी नहीं पाया व्लॉग कल, उसके लिए दिल से सॉरी। तो गाइस मैंने उसको व्लॉग को डाला नहीं, एंड उसकी आधी क्लिप और आज डे अलग है। तो गाइस आज है फ्राइडे, तो आप सबको पहले मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो गाइस आज फिर से इसी व्लॉग में कंटिन्यू कर दिया मैंने, दोनों व्लॉग एक साथ ही अपलोड कर दूंगा, कल का भी और आज का, तो आप लोग देख लेना एंड बताना भी कमेंट करके, और कल नहीं आया उसके लिए दिल से सॉरी। तो गाइस अब से ऐसा नहीं होगा, डेली के डेली आएगा व्लॉग, तो अपना तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाना। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं नमाज वमाज पढ़ के आ गया, फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है। तो गाइस अब कुछ सीन ऐसा है कि मैंने उससे पूछा था कहाँ जाए, तो उन्होंने कहा था पहले मेरे घर पे आ जाओ, फिर वहाँ से देखते हैं। तो मैं फिर उसके घर पे जा रहा हूँ इंशा के, तो मिलता हूँ सीधा मैं उसके घर पे निकल के, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस मैं व्लॉग की क्लिप ले रहा था, और एक सामने मेरा एक दोस्त भी है, वो भी देख रहा था कल का व्लॉग, कह रहा उनने भी नहीं आया। तो गाइस वो देखो कह रहा हो रहा, तो गाइस ये भी कह रहा था मुझे भाई कल तुमने व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो गाइस मैंने इन्हें बोल दिया कि कल मैं नहीं डाल पाया, तो भाई आज डालूंगा ठीक है। हाँ। पक्का देखेगा ना। हाँ। बढ़िया मजे आ रहे हैं ना। हाँ। तो गाइस ये हमारे घर के सामने ही रहता है छोटा भाई अपना, है कि नहीं। हाँ। तो गाइस ये मुझे देख रहा था, तो मैंने कहा इसको भी क्लिप में ले लूँ, मजे आएंगे है नहीं। तो चल ठीक है फिर। हाँ। चल एक बार कह दो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस भाई ने भी कह दिया, तो भाई को थैंक यू। तो गाइस जिनने सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मिलता हूँ मैं आपको आगे, बाय बाय। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अंशी घर पे, और अंशी रेडी हो चुकी है, पूरा दिखाना भाई फेस। तो गाइस ये देखो अंशी रेडी हो चुकी है, और अभी यहाँ से हम सीधा निकल रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, है कि नहीं। तो गाइस अब सीधा यहाँ से निकल के सीधा जा रहे हैं मेट्रो पे, मेट्रो से फिर मिलता हूँ आपको आगे। तो बने रहो व्लॉग में, जल्दी से हो जाओ रेडी, बाय बाय। काना भाई, ईशान भाई, सबको बाय बाय। तो नानी जी नमस्ते, मम्मी मैं जाऊंगा पूरा तो नहीं मानोगे। बाय तन्नू बाय। तो गाइस निकलते हम सीधा आ गए। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मेट्रो में, और आज हम जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ। तो गाइस ये रहे, तो गाइस ये रहे अम्मी, ये रही मेरी मम्मी, ये रहे पापा। तो गाइस अब सीधा जा रहे हैं अंदर, तो मिलते हैं जहाँ पे जाएंगे वहीं मिलता हूँ आपको। तो गाइस मेट्रो से आ गए, तो गाइस मम्मी पापा फर्स्ट टाइम मेट्रो पे आए हैं, इस चक्कर में इन्हें पता ही नहीं कि कैसे निकलना है। चल भाई आशी निकल। तो गाइस हम यहाँ पे टोकन लगा रहा है, चल भाई। तो गाइस यहाँ से निकल रही, तो भाई ये लग गया टोकन। तो गाइस मैं आ गया बाहर, और गाइस अब ये आमिर ले रहा है, आ जा। तो गाइस आ गया। तो गाइस मेरी मम्मी पापा को तो आए फर्स्ट टाइम आए मेट्रो में, तो इन्हें पता ही नहीं था कैसे निकलना। तो अब यहाँ से सीधा जा रहे हैं मेट्रो पे चढ़ेंगे, हम जा रहे हैं लाल किला, है ना। तो लाल किला में गाइस मेला भी लगा हुआ है बहुत बढ़िया, तो सीधा मिलता हूँ मैं आपको लाल किला ही। तो व्लॉग में बने रहना, बहुत मजा आएगा, तो मिलता हूँ आपको आगे। तो गाइस आ चुके हैं हम सीधा लाल किला। गाइस ये देखो, ये मम्मी बहन जा रही है, और ये आशी जा रही है। आशे हाय। तो ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मेला बढ़िया लगा हुआ है यहाँ शॉपिंग में। आशी चलो। तो गाइस आ चुके सीधा लाल किला, और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, झूले वूले सब लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना आशी। झूला झूलेगी, झूला झूलेगी गाइस। हाँ कर रही है, झूला झूला रहे, देखते अभी यहाँ से सीधा एंट्री करते हैं गेट में, तो मिलता हूँ सीधा आपको आगे। तो गाइस आ चुके हैं लाल किला, ये रहे मम्मी को प्यास लग गई है, पापा को भी ये खड़े, ये देखो। तो गाइस ये देख रहे हो भीड़ इतनी, चल आगे घूम जाते हैं।
तो गाइस यहाँ पे भीड़ इतनी है लाल किला में, मतलब मैं बता भी नहीं सकता है ना। तो गाइस आज तो ये देखो, आज होनोलुलु पर आए। तो गाइस इंडिया गेट पे घूम रहे हैं, और इंडिया गेट और लाल किला पे घूम रहे हैं। देखो कितनी भीड़ है, और अभी वहाँ पे झूले वगैरह भी, झूले हैं। तो गाइस आशी करे झूला झूलेंगे, तो देखते हैं अगर झूला झूलेंगे तो आप लोग दिखाएंगे। तो गाइस थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे बैठे हैं सभी, देखो बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। और पीछे तुझे पता ही क्या दिखाता हूँ गाइस, ये देखो बहुत बड़ा गड्ढा है यहाँ पे, अगर यहाँ से कोई गिरा तो सीधा फंस जाएगा। पटोला पल पत्तियां पाही चूड़ा कनके पंथन के मुतियारा पटोला। बहुत ज्यादा ही भूख लगी थी, तो हम यहाँ पे देखो ये छोले भटूरे खा रहे हैं, है ना। तो भाई बहुत तेज भूख लगी थी, तो अभी हम छोले भटूरे खा रहे हैं। फिर के बाद बाकी झूले, मैंने सोचा पहले झूले थे, लेकिन हमें भूख लग रही थी, तो हमने पहले सोचा खा लेते हैं, खाने पीने के बाद फिर हम झूलेंगे। आशे घेर रखा है, चुकी है बहुत तगड़ी भीड़ मेले में। सारी को रखी फैन ने घेर लिया था, अभी फ्री हो चुके हैं अपने फैन से, तो ये जाएगा अपना वेतना। तो पिज्जा ले रहे हैं, लगता है स्पेशल पिज्जा मिल रहा है। बताएगा पीजे का टेस्ट कैसा लगा, बढ़िया मजा आ गया। ये लाल किले के मेले के पास है केड़ा पिज्जा, आगे खा सकते हैं 60 रुपए। तो गाइस यहाँ पे 20-20 रुपए में कुछ भी ले सकते हैं, देखो। तो गाइस ये देखो मम्मी कुछ लेने की सोच रही है, क्या लेगी मम्मी? तो गाइस मम्मी और आशी देखिए, तो क्या देख रही थी, प्लेन लेगी, ऐसे नहीं लेना। तो गाइस ये देखो 20-20 रुपए में सब है, सब मतलब एक चीज 20 रुपए में, कोई सा भी ले लो। तुझे लेना है कुछ? लेना है देख ले, अगर कुछ लेना हो तो चैन लगी तेरे को दे दूंगा, एक मैं पहन लूंगा। हाँ ये भी 20 रुपए, ये वाला कंगा भी देख 20 रुपए में है। चैन लेनी है? चैन लेनी है, चैन भाई वाली चैन भी 20 रुपए की है। एक दे दो चैन, चैन ले लेगा एक ये वाली। तो गाइस हमने ये वाली चैन ले ली, ये देखो ये ले भाई आशी चैन। हाँ पंखा भी है आशी लेना, ये पंखा बहुत अच्छी चीज़ है। गाइस हम शूट पे जाएंगे तो ये पंखा ले सकते हैं भाई, ओपन के लिए मजाक से हट के बढ़िया आ रहा था ये है। ये देखो गाइस मम्मी कुछ ले रही है आगे, पता नहीं क्या ले रही है, समझ नहीं आ रहा, कुछ तो ले ही रही होगी। अरे ये ट्रेंडिंग पे नहीं, ये क्या गजरा, गजरा लेना है। तो गाइस कुछ नहीं लेना, आगे अगर कुछ लेना हो तो बता दियो, मेरा तो ले ले अभी ला दियो। तो गाइस मेरा बहुत ज़्यादा ही मन था झूला झूलने का, इसलिए हम आ गए थे झूला झूलने। तो लेकिन गाइस मैंने अपने घर वालों से पूछा कि यार चलते हैं झूला झूलने, तो घर वालों ने मना कर दिया कि मैं नहीं झूलूंगा, जाओ तुम झूल लो। तो गाइस मेरा मन नहीं करा कि मैं क्या अकेले झूलूँ जब घर वाले ही नहीं झूल रहे, तो गाइस मैंने भी नहीं झूला, लेकिन बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया। अंशिका कह रही थी मुझे झूलना था, लेकिन वो फिर कह रही चलो छोड़ो कोई नहीं झूल रहा, तो हम भी क्यों झूले, अगली बार आके झूल लेंगे। तो गाइस मैंने भी सबको हाँ कर दिया, ठीक है, फिर हम जामा मस्जिद के लिए निकल गए। तो गाइस हमने सोचा भी नहीं था कि जामा मस्जिद में इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, और मेरे घर वाले तो शौक हो गए कि यार वो तो फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे, वो इतनी भीड़ देख के मेरे को बार बार ही कह रहे हैं यहाँ पे इतनी भीड़ कैसे है, यहाँ पे चला भी नहीं जा रहा। तो मैंने कहा आप लोगों ने ही कहा था मैं जामा मस्जिद घूमना है, तो इसलिए तो आप लोग चलो अब। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, आप देख सकते हो।
एंड हम भी जा रहे थे धीरे धीरे, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ, और पीछे से मेरे पापा कह रहे कि फ़ोन जेब में डाल ले, तो मैं गाइस कह रहा कि कोई नहीं पापा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जा रहा था धीरे धीरे, मैंने कहा ये स्मार्ट चाह रहा तो दिखाना पड़ेगा लोगों को, तो गाइस हम यहाँ पे धीरे धीरे जा रहे थे, देखो बच्चा सो रहा है यहाँ पे आंखें देख रही है, और यहाँ पे हम सीधा जामा मस्जिद के ऊपर जाने वाले हैं थोड़ी देर में, और हम आ गए ऊपर, लेकिन गाइस ऊपर आके यहाँ से देखो कितना तगड़ा व्यू और कितने सारे लोग हैं, मेरे घर वाले शौक थे कि भाई इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे जामा मस्जिद में, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे ऐसी भीड़ होती है, तो मम्मी तो फर्स्ट टाइम आई थी, पापा भी फर्स्ट टाइम आए थे, तो वो बहुत ज़्यादा शौक थे, और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था कि हाँ यार इतनी भीड़ तो है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा, तो गाइस हम धीरे धीरे जूते चप्पल ले लिए हमने हाथ में, तो अब हम सीधा जा रहे हैं जामा मस्जिद के अंदर। आशे तो गाइस फाइनली इतनी भीड़ भाड़ से सीधा मैं अंदर आ गया है ना, गाइस बहुत ज्यादा भीड़ थी, मैं बता नहीं सकता आपको, मेरे घर वाले तो पहली बार आए हैं तो ये कह रहे इतनी भीड़ कैसे यहाँ पे, इन्होंने तो भीड़ देख के पागल हो गए, और इतनी तगड़ी भीड़ थी यहाँ पे, चलने के लिए मेरे पैर में दर्द हो गया यार, आशे पैर में दर्द हो रहा है, तेरे भी हो रहा है क्या है? तो गाइस अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद देखते फिर यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा ही चल रही है आज, व्यू देखो आप। तो गाइस बैठे बैठे यहाँ पे शाम हो गई, और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, देखो जामा मस्जिद कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं गाइस, देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही, तो हम यहाँ पे बैठे बैठे हमारा मन हो गया तो हम सोच रहे थे अब चलते हैं नीचे बाज़ार घूमने चलते हैं, तो गाइस हम यहाँ पे बाहर आए तो देख के पागल हो गए, इतनी भीड़ है उतरने के लिए यहाँ पर, और हम कैसे जाए देखो आप गेट पर कितनी भीड़ है, तो यहाँ से सीधा उतरते हैं, फिर मिलता हूँ आपको आगे। तो गाइस यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे कुछ ड्रेस व्रेस देख रहे थे, देख रहे हैं, देख ले जल्दी ड्रेस देख ले, गर्मी में तो पहन नहीं सकते, देखो देखो गर्मी में तो बिल्कुल नहीं पहन, तो गाइस बस यहाँ से फिर घर निकलने फिर मैं आपको मिलता हूँ सीधा। तो गाइस हम निकल चुके हैं सीधा घर के लिए, और यहाँ पे देखो अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम जा रहे हैं मेट्रो में, तो गाइस हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो गाइस हम आ चुके हैं मैगडी में, तो गाइस हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, तो गाइस ये देखो बर्गर वर्गर खा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो भाई पहले पेट ये मैं खिलाने जा रहा था, इन्होंने खुद ही ठूस लिया, लेकिन कोई नहीं गाइस अब यहाँ से सीधा निकलते हैं घर। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा।